उदयपुर महाशिवरात्रि पर्व की व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर ने की बैठक, दिए निर्देश। बिना मास्क मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं, कोरोना के दृष्टिकोण से लिया निर्णय। पार्किंग की होगी व्यवस्था, कतार में होंगे दर्शन, वाहन चालकों को भी देंगे निर्देश। परंपरा बनी रहेगी परंतु कोविड के नियमों का करना होगा पालन, कलेक्टर पंकज जैन। प्रस्तुत है गंज वसोदा मध्य प्रदेश से, इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन 24 की एक रिपोर्ट। जी हां, 10वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर करीब 1,00,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसकी व्यवस्थाओं के लिए जिले के कलेक्टर ने एक आवश्यक बैठक को उदयपुर मंदिर परिसर में संबोधित किया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर पंकज जैन ने कहा कि हमें आस्था के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि हमें त्योहार मनाने के साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। गंज वासोदा से अलन चौबे की एक रिपोर्ट। इसमें देखिए, अभी पूरे विश्व में जो संकट का समय चल रहा है कोविड का, सबसे पहला हमारा जो फोकस रहेगा कि मेले में कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, सबसे पहली चीज़। बाकी सब चीज़ें हैं साथ में हैं, हमने आज चर्चा भी की मेले को सुगम कैसे बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चीज़ है मेले को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। सुरक्षित में अभी बहुत सारी चीज़ें पे चर्चा हुई कि बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पर सबसे पहला ये है कि हमें कोविड से सुरक्षित रहना, तो इसके लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। नीचे लेवल से अभी हम लोग एक दिन में और देखेंगे कि क्राउड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रिलीज़ करना, ऊपर नीचे भी भीड़ ना लगे, ऊपर भी ना लगे। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय जनों ने जो बहुत सारी चीज़ें बताई कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, तो जेई अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ तैनात रहेंगे, इनफैक्ट टी भी यहाँ पे ग्राउंड पे रहेंगे। उसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, ताकि क्योंकि कई श्रद्धालुओं को पीक आवर्स में 2 से 3 घंटे का दर्शन के समय लगता है, और यदि उनको पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं इस मोनूमेंट को प्रिजर्व करते हुए, ताकि गंदगी भी ना हो, अभी भी ना हो, और पानी की, पीने के पानी की सुगम व्यवस्था रहे, शौचालय की व्यवस्था रहे, मेले को लेके जो दुकानें हैं वो क्लोज ना लगे, थोड़ा सा सेग्रीगेटेड रहे, क्योंकि कोविड से सुरक्षित रहना, यदि श्रद्धालु यहाँ अच्छी भावना से आ रहे हैं तो बिल्कुल वो सुरक्षित वापस जाएं कोविड से भी। कोविड को लेके देखिए, सैनिटाइजिंग का 2 विषय रहते हैं, एक होता है कि जो श्रद्धालुओं को सैनिटाइज जो किसी पंप वगैरह के माध्यम से स्पिरिट रहता है उसके लिए, वो जरूर उस दिन उपलब्ध, उसकी उपलब्धता हम काफ़ी रखें। दूसरा होता है कि जो सड़कें सैनिटाइज और वो, उसको भी नियमित रेगुलर व्यवस्था की जाएगी।